कृषि बिल को लेकर पिछले एक हफ्ते से सड़कों पर उतरे किसान संगठनों ने उत्तर प्रदेश के साथ साथ अन्य कई प्रदेशों में अपने आंदोलन की धार तेज कर दी है। मुरादाबाद की बात करें तो आज सुबह से ही भारतीय किसान यूनियन से जुड़े सैकड़ों किसान सिविल लाइन स्थित अम्बेडकर पार्क में जमा होने लगे थे, जिसके बाद ये किसान एक जुलूस के रूप में पीलीकोटी चौराहे होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे और ये जुलूस एक धरने में बदल गया। कृषि बिल के विरोध में जुलूस निकाल रहे किसान बाइक के माध्यम से केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए भी दिखाई दिए। इन किसानों की मांग है कि केंद्र सरकार द्वारा लागू किया गया कृषि बिल तुरंत वापस लिया जाए। मुरादाबाद में आज हमारा जो केंद्र सरकार किसानों के डेड वारंट पे साइन करा चुके राष्ट्रपति से 3 अध्यादेश लाके, उसके विरोध में हमारा किसान मार्च है। हमारा हम कमिश्नर के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन देंगे और राष्ट्रपति महोदय से मांग करेंगे कि ये सरकार जो केंद्र सरकार है कि किसानों के खिलाफ 3 अध्यादेश लाइए और पूरे देश के किसानों को बड़ी बड़ी कंपनियों के सपोर्ट करने जा रही है, उन्हें कमी गुलाम बनाने जा रही है। तो सरकार से हमने मांग कर रहे हैं कि तुम 3 लाए हो अपनी मर्जी से, हमारे खिलाफ लाए हो, एक हिंदुस्तान किसान की मर्जी से लेके आओ कानून जो हम लोग चाहते हैं। किसानों की मांग है पूरे देश के आज कि सरकार जो MSP तय करती है, न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करती है, न्यूनतम तय करती है, उससे नीचे कोई ना खरीदे, इसके लिए गारंटी कानून बनाओ। और वो ऐसा कानून हो कि हिंदुस्तान में कन्याकुमारी से कश्मीर तक जिन फसलों की MSP डिसाइड होती है, तय होती है, उससे नीचे कोई व्यापारी चाहे वो विदेशी हो, देसी हो, कंपनी या छोटा हो, न खरीदे, उससे नीचे खरीदना अपराध घोषित किया जाए, कानून कार्रवाई की जाए, मुकदमा कर दिया जाए, ये सरकार चाहते हैं। और MS स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर जो सरकार ने वादा किया 2014 मोदी सरकार ने मुझे कि हम रेट तय करेंगे C2+50% मुनाफा, इस माध्यम से रेट तय करें इस आधार पर और गारंटी कानून बना है। लेकिन ये कैसे चलेगा कि धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1900 रुपये धान बिक रहा है, 1200 रुपये, उड़द का समर्थन मूल्य 5000 रुपये उड़द बिक रहा है, 3000 रुपये, सरसों का रेट 4000 रुपये, 3000 रुपये दिए, मक्का का समर्थन मूल्य 1925 रुपये, मक्का भी 1000 रुपये। तो पूरे हिंदुस्तान में सरकार एक TV के माध्यम से प्रचार करा देती है कि देखो हम मक्का का 1900 भाव दे रहे हैं और मक्का बिक रही है 1200 रुपये, खरीदार को है नहीं, क्या कहीं को लेंगे। तो हमारा सिर्फ कहना है कि जो कंपनियां रामदेव जैसे व्यापारी हमसे 1700 में गेहूँ खरीद के मिनिमम प्राइस से नीचे खरीद के और अपना पतंजलि का पैकिंग बनाकर लिखते हैं सुपर मैक्सिमम प्राइस 40 रुपये किलो, धान 1900 रुपये खरीद के 80 रुपये चावल बेचते हैं मैक्सिमम प्राइस पर, सरसों मंडी खरीदते हैं मैक्सिमम प्राइस तेल बिकता है, कपास बिकती है मिनिमम प्राइस पर, लेकिन कपड़ा बिकता है मैक्सिमम प्राइस पर। तो ये जो धंधा चल रहा है, दूध बिकता है मिनिमम प्राइस, लेकिन मिल्क प्रोडक्ट बिकते हैं सब मैक्सिमम प्राइस पर। हिंदुस्तान का जो किसान खेत में काम कर रहा है, जो खेती कर रहा है, चाहे वो टमाटर हो, सब्जी हो, फल हो, फ्रूट हो, वो सब मिनिमम प्राइस पर जा रहे हैं और उनसे जो लोग दूसरा काम कर रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं, वो सब मैक्सिमम प्राइस पर जा रहे हैं। तो मिनिमम और मैक्सिमम का जो काम है, मोदी जी ने काम कर दिया कि मिनिमम जो किसान दे रहा था उसको और बर्बाद कर दिया। मान लीजिए अभी तक कोई इस पर निष्कर्ष नहीं निकला है कोई अभी तक, तो आगे आपका क्या? ये तय है, ये तय है, ये हिंदुस्तान आज भगत सिंह की 114वीं हम पुण्यतिथि मना रहे हैं आज हम, और ये तय है कि भगत सिंह का जो सपना था इस देश का, ऐसा देश हो ये जिसमें अंग्रेजों को भगाने में देश के गांव के जवानों ने कुर्बानी दी है, हमारे भाई बंद आज भी आर्मी और फौज में सीमाओं की हिफाजत कर रहे हैं और हमारे खिलाफ कानून बनाए जा रहे हैं। तो आज भगत सिंह की 14वीं पुण्यतिथि पर हम ये शपथ ले रहे हैं कि अब एक बार फिर इस हिंदुस्तान के किसानों को इन अध्यादेशों से और जो गुलामी का जो प्रतीक बना दिया, जो गुलाम बना दिए कंपनियों के, इससे आज़ादी दिलाएंगे हम लोग। लड़ाई लंबी लड़ाई लड़ी जाएगी और इस सरकार को एहसास करा दिया जाएगा जिस तरीके से भूमि जैसे कानून लाए थे ये हमारी जमीन छीनने के लिए, आज हमारे खजान छीनने को लाए हैं अध्यादेश। चौधरी चरण सिंह का नारा था इस देश में, हिंदुस्तान की खुशहाली का रास्ता खेत और खलिहान से गुजरता, शास्त्री का नारा था जय जवान जय किसान, असर हो, गांधी ने कहा था हिंदुस्तान का गांव आत्मा है देश की, किसान की रीढ़ है, आज वो आत्मा भी बर्बाद की जा रही है, रीढ़ तोड़ी जा रही है, इसलिए अब हम समझ गए हैं अनपढ़ नहीं है। सरकार कितनी प्रचार कर रही है कि उस पार्टी ने कराया, वो पार्टी करा रही है, हम खुद लड़ रहे हैं, हमारे कोई पार्टी नहीं हमारे पास, सब एक से ही, हमें फर्क पड़ा बात से, लेकिन आज किसान खड़ा हो गया है और जब तक ये कानून नहीं लाया जाएगा MSP प्राइस वाला, तब तक इन अध्यादेश को मानेंगे नहीं और इस देश के अंदर हम लड़ेंगे
भाई बड़ी लड़ी आएगी 8 तारीख को कुरुक्षेत्र में पूरे हिंदुस्तान किसान संगठन ने बैठक बुलाई है हरियाणा के अंदर, उसमें कॉल दी जाएगी पूरे देश के लिए और अंत तक लड़ी जाएगी। हम भगत सिंह सपनों साकार करेंगे, हम भगत सिंह की कौम है इस देश में। अंग्रेजों भगाया भाई, नारा भी दे दिया किसानों ने, पहले भगाया चोरों को, पहले भगाया गुरों को, अब भगाएंगे चोरों को।